Assalamu alaikum, students, myself, Uma Tanvir. Hope you all are fine. Today we will start our next chapter of class 1 from New Oxford Primary Science. So, open your book, page number 55. The topic of our next chapter is Materials and Objects, unit number 6. मैं आज आपको मटेरियल्स एंड ऑब्जेक्ट्स के रिलेटेड बताऊंगी ठीक है मैं सिर्फ हाइलाइट्स को रीड करूंगी आपने उनको अच्छे से समझ लेना है और फिर आपने अपनी कंप्लीट रीडिंग करनी है ओके वी कैन पुट थिंग्स इन ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर साइज़ शेप्स वेट और टेक्स्चर हम चीज़ों को ग्रुप्स में चेंज करते हैं ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं उनकी साइज शेप वेट और टेक्स्चर के लिहाज से जैसे कि ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स आप देखेंगे फोर ऑब्जेक्ट्स हैं फोर ऑब्जेक्ट्स की जो शेप्स हैं वो डिफरेंट है सर्कल ट्राइंगल ठीक है स्केयर रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ डिफरेंट साइज अब यहाँ पे एक घर बना हुआ है यहाँ पे एक पेंसिल है दोनों का साइज डिफरेंट है ठीक है तो यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो साइज में आ रहा है ठीक है ऑन द नेक्स्ट पेज ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ डिफरेंट टेक्स्चर रफ स्मूथ हार्ड सॉफ्ट अब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनका जो टेक्स्चर है वो बिल्कुल चेंज है ये रफ़ है ठीक है ये स्मूथ है हार्ड सॉफ्ट ठीक है ये यहाँ पे आपके पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं अब यहाँ पे देखें ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ डिफरेंट वेट अब इन दोनों का वेट डिफरेंट है ठीक है ये बहुत हैवी है ठीक है, है दिस मशीन और ये जो गगल्स हैं ये बहुत लाइट हैं नेक्स्ट इज मटीरियल्स ऑल ऑफ द ऑब्जेक्ट्स वी सी अराउंडिफरेंट मटीरियल्स जितने भी हम मेटीरियल्स जितने भी हम आस पास अपने ऑब्जेक्ट देखते हैं वो डिफरेंट मटीरियल से बनी हुई होती है जैसे कि आपको इस तस्वीर में नजर आ रहा है यहाँ पे चेयर टेबल्स पड़े हैं ठीक है उसके अलावा बोर्ड है सॉफ्ट uh, बोर्ड है ठीक है ये सारे जो है वो ब्रिक्स से बना गया है लेकिन यहाँ पे एक प्लास्टिक का बॉक्स भी पड़ा हुआ है ठीक है चेयर भी पड़ी है तो इनका जो मेटीरियल है वो डिफरेंट हो सकता है द ब्लैक बोर्ड इज मेड ऑफ वुड The chair are made of metal or wood, and the books are made of paper. What is the desk made of? अब आपने बताना है कि जो डेस्क है वो किससे बना हुआ है Some materials are natural, while other are man-made. कुछ materials ऐसे होते हैं जो नेचुरल होते हैं और कुछ मैन मेड ये आपको तस्वीर नजर आ रही है इसके अंदर जितनी भी चीजें हैं वो सारी नेचुरल हैं, जबकि ये नीचे देखें प्लास्टिक स्टील रबड़ पेपर ग्लास ये तमाम चीजें क्या कौन सी हैं मैन मेड मटीरियल्स ओके यूजिंग मटीरियल्स द मटीरियल्स विच कम फ्रॉम प्लांट एनिमल और फ्रॉम अंडर द ग्राउंड आर कार्ड नेचुरल मटीरियल ऐसे मटीरियल जो प्लांट एनिमल और अंडर द ग्राउंड से आते हैं उन मटीरियल से जो चीज़ें बनती हैं उनको हम नेचुरल थिंग्स कहते हैं और वो मटीरियल हमें नेचुरल मटीरियल कहते हैं जैसे कि पेंसिल मेड ऑफ वुड वुड नेचुरल मटीरियल है ठीक है और पेंसिल पर नैचुरल थिंग है नेचुरल uh, मटेरियल से बनाई गई है इसी तरह हैमर जैकेट ज्वेलरी बाउल ये तमाम चीजें नेचुरल मटेरियल से बनाई गई हैं ठीक है नेक्स्ट मटेरियल्स विच हैव बीन मेड बाय पीपल यूजिंग नेचुरल मटेरियल्स आर कार्ड मैन मेड थिंग मैन मेड मटीरियल अब जो नेचुरल चीज़ों को नेचुरल मटेरियल्स को यूज़ करके जो चीज़ें बनाई जाती हैं उनको हम कहते हैं मैन मेड मटीरियल ठीक है वो जो चीज़ें होती हैं वो मैन मेड थिंग होती हैं जैसे कि देख सकते हैं आप प्लास्टिक से यहाँ पे बनी हुई चीज़ें हैं उसके अलावा बिल्डिंग बनी हुई है जो कि कंक्रीट टाइल्स और विक्स के यूज़ से बनी गई है ठीक है तो ये तमाम जो चीज़ें हैं ये भी नेचुरल थिंग्स को यूज़ करके बनाई गई हैं नेक्स्ट देखिए वोट इज अ नेचुरल मटेरियल वुड एक नेचुरल मटेरियल है ठीक है लेकिन इस वुड से डिफरेंट चीज़ें बनी है यहाँ पे एक बोर्ड नजर आ रही है बॉक्स है बैट है तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो डिफरेंट हैं ठीक है मतलब ये कि हम एक मटेरियल से डिफरेंट चीज़ें बना सकते हैं जैसे कि प्लास्टिक की बॉटल भी है बॉक्स भी है ग्लास का मिरर uh, भी है और ग्लास भी है ठीक है तो ये भी एक चीज़ से हम डिफरेंट चीज़ें बना सकते हैं प्लास्टिक एंड ग्लास आर मैन मेड प्लास्टिक इज मेड फ्रॉम नेचुरल ऑयल एंड ग्लास इज मेड फ्रॉम नेचुरल सैंड जो प्लास्टिक है वो ऑयल से बना गया है जो ग्लास है वो नेचुरल सैंड से बनाया गया ठीक है ओके okay. तो हमने इस चैप्टर में पढ़ लिया हमने इस चैप्टर में सारा मटेरियल्स के रिलेटेड पढ़ा ठीक है, है तो होप आपको इस तमाम रीडिंग की समझ आ गई होगी ठीक है नेक्स्ट सेकेंड डिस्कस एंड आंसर व्हिच मटेरियल्स कैन बी यूज्ड टू मेक अ चेयर चेयर को बनाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज़ होता है चेयर वुड की भी होती है मेटल की भी होती है ठीक है तो आपने इसको भी अपनी नोटबुक पर राइट करना ठीक है होप आपको इस चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी आपको समझ आ गया होगा थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो अल्लाह हाफिज़